फ्रेंड्स, हाई, आई एम अपूर्वा एंड आई वेलकम यू टू माई YouTube चैनल सिविल स्ट्यूब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम हमारा एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इस चैनल पे, जो कि MCQ सीरीज़ होगी। ये जो सीरीज़ होगी उसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उन टॉपिक्स पे जो ऑलरेडी हम कवर कर चुके होंगे। हमारी दो सीरीज़ चल रही है, एक एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है और एक MPGK की सीरीज़ चल रही है। हम हर वीक अल्टरनेटिवली एक एक सीरीज़ के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, MCQs डिस्कस करेंगे, जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे ये होगा कि आपका नॉलेज टेस्ट कर पाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि आप कितना अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, आपको कितने रिविजन की ज़रूरत है, आप क्या भूले हैं, आपको किस तरीके से आगे आपकी स्टडी को प्लान करना है। इसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये जो सीरीज़ है उसका फर्स्ट क्वेश्चन। हमको मैं एक और बात बता देती हूँ, जब भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आपके मन में आंसर सोच लीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, उसके बाद में आप वीडियो को प्ले करके आगे उसका आंसर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ बिंदुसार अशोका वॉज द गवर्नर ऑफ विच प्रोविंस। तब बिंदुसार की डेथ हुई उस समय अशोका कौन से प्रोविंस का गवर्नर था? उज्जैन, तक्षशिला, सुवर्णगिरी, तोसली। तो इसमें से कौन सी प्लेस का था? हम बहुत बार बहुत अच्छे से ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर है उज्जैन, ठीक है। उज्जैन के गवर्नर थे तब बिंदुसार की डेथ हुई उस समय पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय स्तंभ ऑफ यशोधर्मन इज सिचुएटेड एट। जो विजय स्तंभ बनाया गया है यशोधर्मन का, ये कहाँ पर है? तो इसका आंसर खजुराहो है या सखारा है या सोंधनी दाशपुर है, मरियाधो ये प्लेस है। तो इसका आंसर है सोंधानी दाशपुर, ठीक है। अब सोंधानी दाशपुर, ये यशोधर्मन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यशोधर्मन ने ये विजय स्तंभ इसलिए बनाया था क्योंकि इन्होंने हून इन्वेडर जो थे मिहिरकुल, उनको डिफ़ीट कर दिया था। तो ये इनकी एक वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट थी, जिसके कारण इन्होंने ये जो दाशपुर, जो प्रेजेंट डे मंदसौर है, वहाँ पे एक प्लेस है सोंधानी, वहाँ पे विजय स्तंभ बनाया था, ठीक है। किसको डिफ़ीट किया था इनने? हून इन्वेडर मिहिरकुल को। ये ओलिकर डायनेस्टी के किंग थे और मेन जो प्लेस जहाँ से बिलोंग करते थे वो मंदसौर थी, मतलब आज की तारीख का मंदसौर, और उस समय दाशपुर के नाम से जानी जाती थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शुंग रूलर डिस्ट्रॉय द सांची स्तूप। ऐसा कौन सा शुंग रूलर है जिसने सांची स्तूप को डिस्ट्रॉय किया? ऑप्शंस में दिए हुआ है हर्ष शुंग, मित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग या राणा प्रताप शुंग। तो इसका आंसर है पुष्यमित्र शुंग। देखिए, राणा प्रताप शुंग तो कोई थे ही नहीं, आपने यदि ढंग से पढ़ा होगा तो ये एक ऑप्शन था, एग्जाम में पूछा गया ऑप्शन नहीं है, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल होता है। इसके अलावा मित्र शुंग और हर्ष शुंग, ये भी दो ऐसे नाम हैं जो आपने सुने नहीं होंगे, बट पुष्यमित्र शुंग, ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा, क्योंकि मौर्य डायनेस्टी को ओवरथ्रो करने वाले जो पर्सन थे वो पुष्यमित्र शुंग थे। पुष्यमित्र शुंग फाउंडर थे शुंग डायनेस्टी के, ये ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे और बौद्ध धर्म के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे। तो इन्होंने सांची स्तूप को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके अलावा इन्होंने बोधि ट्री, जिसके नीचे जो गौतम बौद्ध थे उन्हें एनलाइटमेंट मिला था, उसे भी कटवा दिया था, ठीक है। ऑल दो ये जो सांची स्तूप है, बाद में इनके बेटे ने, पुष्यमित्र शुंग के जो बेटे थे अग्निमित्र, उन्होंने इसको वापस रिकंस्ट्रक्ट करवाया। इनफैक्ट इसकी जो कॉरिडोर वाला पार्ट था जो पहले नहीं था उसको भी बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर एनेक्स्ड मालवा इन सेकेंड सेंचुरी AD। इसमें से कौन से ऐसे रूलर हैं जो कि सेकेंड सेंचुरी AD में मालवा को जिन्होंने एनेक्स किया था? तो इसका आंसर क्या होगा, आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके पता लगा सकते हैं। देखिए,
पुष्यमित्र शुंग अभी हमने पढ़ा, मौर्य डायनेस्टी को ओवरथ्रो करने वाली थी, तो 185 बीसी के आसपास थी, तो डेफिनेटली ये तो हो ही नहीं सकता, कट गया। अब बचा भानुभट्ट। भानुभट्ट तो कोई किंग थे ही नहीं, ये हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे, तो ये भी कट गया। राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट जो डायनेस्टी थी ये साउथ इंडिया की डेक्कन में के ही रूल करने वाली डायनेस्टी थी, बट जो इसका टाइम पीरियड था वो अराउंड 6th सेंचुरी AD के बाद था, तो ये वाला पार्ट भी कट गया। अब क्या बचा? गौतमीपुत्र शतकर्णी, तो इसका करेक्ट आंसर है गौतमीपुत्र शतकर्णी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, वेयर वॉज द वाइफ ऑफ सम्राट अशोक बॉर्न, जो सम्राट अशोक थे उनकी वाइफ का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि जो सम्राट अशोका थे वो गवर्नर थे उज्जैन के, और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है अशोका का, अशोका द ग्रेट का कहे जाते हैं, और इनका मध्य प्रदेश से जो भी कनेक्शन है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो इनकी जो वाइफ थी वो विदिशा की प्रिंसेस थी, जिनका नाम था महादेवी। ठीक है, तो महादेवी का बर्थ कहाँ हुआ था? विदिशा में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच किंग ऑफ मालवा डिफीटेड द हूंस, ऐसे कौन से किंग थे मालवा के जिन्होंने हूंस को डिफीट किया था? ये क्वेश्चन पहले भी एक अलग फॉर्म में एग्जाम में आ चुका था कि कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने विजय स्तंभ बनाया, और इनका विजय स्तंभ कहाँ सिचुएटेड है? तो इसका आंसर है यशोधर्मन। ओलिगर डायनेस्टी के किंग थे ये, दाशपुर मंदसौर से बिलोंग करते थे, मालवा के रूलर थे, इनने हून इन्वेडर मिहिरकुल को डिफीट किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग मेड विदिशा एज हिज कैपिटल, ऐसे कौन से किंग थे जिन्होंने विदिशा को अपनी कैपिटल बनाया? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर है अग्निमित्र। क्या है इसका आंसर? अग्निमित्र। इस क्वेश्चन को भी आप थोड़ा सा एलिमिनेशन के थ्रू कर सकते हो। विक्रमादित्य की कैपिटल तो उज्जैन थी, काफ़ी सारी स्टोरीज इनसे रिलेटेड है। चंद्रगुप्त 2 ने अपनी जो कैपिटल थी उसको, चंद्रगुप्त 2 का ही नाम है विक्रमादित्य, और इनने अपनी कैपिटल उज्जैन को बनाया था, ना कि विदिशा को। अब इसके बाद में हर्षवर्धन, हर्षवर्धन अराउंड 610 से लेकर 647 AD के आसपास तक का टाइम पीरियड रहा है इनका अप्रॉक्स, और ये जो थे ये मेनली पहले थानेश्वर के किंग थे, बाद में कन्नौज के किंग बने। इन्होंने मध्य प्रदेश में कोई भी सिटी को कभी भी अपना कैपिटल नहीं बनाया। भोजपाल ने भी कभी विदिशा को अपनी कैपिटल नहीं बनाया, ऐसा कोई फैक्ट हमने नहीं पढ़ा है। तो इसका आंसर है अग्निमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की किस डिस्ट्रिक्ट में माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका पाया जाता है? ऑप्शंस हैं मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया। तो इसका आंसर है दतिया। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोका के 4 माइनर एडिक्ट्स हैं जो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। एक है गुज्जर दतिया में, रूपनाथ, इसके अलावा सारो मारो और पुंगरारिया पंगुरारिया। तो इस तरीके के ये 4 माइनर रॉक एडिक्ट है जो मध्य प्रदेश में है, जिसमें से ये दतिया वाला सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अशोका के ऑलमोस्ट 40+ हमको एडिक्ट्स मिल चुके हैं, रॉक एडिक्ट्स मिल चुके हैं। इसमें से सिर्फ 4 ही ऐसे एडिक्ट्स हैं जिसमें अशोका का नाम एज अ अशोका मेंशनड है, बाकी सारे रॉक एडिक्ट्स के अंदर या तो मगधी राज लिखा होगा, या तो देवाम पीए लिखा होगा, देवाम प्रिय, इस तरीके के वर्ड्स अशोका के लिए टाइटल्स अलग अलग यूज़ किए गए हैं। बट 4 ही रॉक एडिक्ट्स ऐसे हैं जिसमें अशोका का नाम लिखा हुआ है अशोका के तौर पर। एक है गुज्जर, दतिया, मस्की, निट्टूर और उदयकोलम। ठीक है, बाकी के तीनों साउथ इंडिया में है, कर्नाटका के आसपास वाले रीजन में, और ये है दतिया गुज्जर में। दिस वन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट माइनर रॉक एडिक्ट यदि हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो। अब नेक्स्ट है, चालकोलिथिक साइट कायथा इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। कायथा के बारे में हमने पढ़ा था, कायथा एक बहुत इंपॉर्टेंट चालकोलिथिक साइट है। देखिए, हमने जब प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि जो मैक्सिमम आपको सेटलमेंट्स देखने मिलेंगे उस समय के, वो कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट रिवर के आसपास के एरिया में मिलेंगे या रिवर के रीजन में मिलेंगे। आपको ये चीज़ मैंने बार बार क्लियर करी थी। तो उस समय के जो एविडेंसेस हैं,
वो इंदौर में बहुत कम हमको देखने के लिए मिलते हैं, भोपाल में बहुत कम देखने मिलते हैं, गुना के बारे में भी ऐसा सच हमने नहीं पढ़ा था। तो ये कहाँ पे है? उज्जैन में है। उज्जैन में जो छोटी सिंध रिवर बहती है उसके बैंक पे है कायथा। कायथा एक विलेज है उज्जैन में और ये एक चालकोलिथिक साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन वॉज द कैपिटल ऑफ एंशियंट अवंती किंगडम एंड विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर रूल्ड हेयर। उज्जैन जो है वो एंशियंट अवंती किंगडम की कैपिटल रहा है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो रूलर है उन्होंने वहाँ पे रूल किया है। अब आप इसको एलिमिनेशन के थ्रू भी कर सकते हैं ऑप्शंस को देखकर। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन राणा प्रताप है, डेफिनेटली आप इसको कट करेंगे। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है सम्राट अशोका। सम्राट अशोका गवर्नर थे, ठीक है, उनके टाइम पे ये प्रोविंशियल कैपिटल था, बट कभी अशोका ने यहाँ पे रूल नहीं किया, ठीक है। बट ये जो राजा विक्रमादित्य है, विक्रमादित्य आपने बहुत बार सुना होगा, चंद्रगुप्त टू को ही विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, इनका यहाँ पे रूल रहा था, ठीक है। ये यहाँ पे ही मैक्सिमम टाइम पे रूल करते थे। तब ये गुप्ता एम्पायर के मेन जो किंग थे उस समय, ये मोस्ट ऑफ द टाइम पाटलिपुत्र की जगह उज्जैन से ही ऑपरेट करते थे, ठीक है। और रानी दुर्गावती, ये तो जबलपुर वाले रीजन में थी, तो ये भी कट हो जाती हैं। तो इसका आंसर है राजा विक्रमादित्य। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एंशियंट टाइम आगर मालवा वॉज द कैपिटल ऑफ विच किंगडम? मौर्य, गुप्त, परमार्श, चोलास। देखिए, चोलास तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया क्योंकि ये साउथ इंडियन किंगडम था। अब मौर्य की बात रही, मौर्य के टाइम हमने आगर मालवा का एस सच कुछ भी नहीं पढ़ा। गुप्तास के टाइम पे भी हमने आगर मालवा के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं पढ़ा। तो ये कैपिटल थी परमार्श के टाइम पे, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चंदेरी सिटी। चंदेरी सिटी इज मेंशनड इन महाभारत। हु वॉज द किंग ऑफ चंदेरी ड्यूरिंग दिस टाइम? चंदेरी जो सिटी है इसका नाम मेंशनड है महाभारत में। आपको ये बताना है कि चंदेरी का किंग कौन था महाभारत के अकॉर्डिंग। रावण दिया हुआ है, ये श्रीलंका में थे। कंस, ये मथुरा वाले पार्ट में थे। अर्जुन, अर्जुन महाभारत में एक ही थे, वो कभी भी चंदेरी सिटी के किंग नहीं बने। कट, तो इसका आंसर क्या होगा? शिशुपाल। देखिए, ये एमपीपी मतलब कि जो एमपी की जो एग्ज़ाम्स होती हैं, डिफरेंट बहुत सारी एग्ज़ाम्स कंडक्ट होती है एमपी में, एमपीएसआई, व्यापम, ये उन्हीं एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन हैं। उसमें ऑप्शंस कैसे दिए हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने मिलेंगे जिसमें आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी आंसर तक पहुँच सकते हो। दो ऑप्शंस तो मैक्सिमम टाइम ऐसे होते हैं जिसको आप बहुत इजीली एलिमिनेट करते हो। दो ऑप्शंस ही ऐसे होते हैं जिनमें आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है। और कई बार तो तीन ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिसको आप बहुत इजीली एलिमिनेट कर लेते हो और आपके आंसर तक पहुंच जाते हो। तो आप कोशिश करिएगा कि कभी आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आए तो आपको कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा कूल माइंड के साथ, थोड़ा कामली, उसको थोड़ा सा सोच के देखिए तो आप उसके आंसर तक इजीली पहुंच जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे, अब हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे। अब हमारा क्वेश्चन है, हु एस्टैब्लिश द सिटी ऑफ महेशमति? महेशमति जो सिटी है, जो प्रेजेंट डे में महेश्वर के नाम से जानी जाती है, इस सिटी को किसने एस्टैब्लिश किया? शत्रुवती, कीर्तिवीर्य अर्जुन, है रूलर और अहिल्याबाई। महेशमति एंशियंट टाइम में महेश्वर का नाम था। अहिल्याबाई ने तो डेफिनेटली इसको फिर इस्टेब्लिश नहीं किया। अब ये तीन बचे, तो आपको यदि याद हो तब हम ये लेक्चर पढ़ रहे थे तो आपको बताया था कि जो महेशमति थी वहाँ से रूल करना स्टार्ट किया था है रूलर्स ने। बट है रूलर्स की हमको कोई बहुत ज़्यादा क्रोनोलॉजी वगैरह पता नहीं है, तो ये माना जाता है कि है रूलर्स ने महेशमति को इस्टेब्लिश करा। हमको एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या नाम था उस रूलर का, तो इसका आंसर होगा है रूलर। अब ये जो कीर्तिवीर्य अर्जुन है, ये है डायनेस्टी के सबसे ग्रेटेस्ट किंग माने जाते हैं, है डायनेस्टी के। इनको सहस्त्रबाहु के नाम से भी जाने जाता है। माइथोलॉजिकल स्टोरीज बहुत सारी जुड़ी हुई है इनसे। इनको बोला जाता है कि सहस्त्रबाहु अर्जुन भी बोलते हैं इनको, क्योंकि इनके 1000 आर्म्स थे ये माना जाता है, ठीक है। तो क्या है इसका आंसर? है रूलर।
अब नेक्स्ट क्या है, हु वॉज द मोस्ट ब्रेव अमंग है रूलर्स, तो इसका आंसर है कीर्तिवीर्य अर्जुन। ठीक है, माइथोलॉजी के हिसाब से इन्होंने रावण को भी डिफीट कर दिया था, ये स्टोरी जुड़ी हुई है इनसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी आउट ऑफ 16 महाजनपद ऑफ नॉर्थ इंडिया वर रिलेटेड टू मध्य प्रदेश, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है 3। हमने पढ़ा था अवंती, चेदी और वत्स जो करके प्लेस है, ये 3 महाजनपद मध्य प्रदेश में आते थे। चेदी जो है वो बुंदेलखंड वाला रीजन है, अवंती जो है मालवा वाला रीजन है, और वत्स जो प्लेस थी वो आज की तारीख का जो ग्वालियर वाला रीजन है उसको कहा जाता था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर इन मध्य प्रदेश आर द प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स फाउंड, बाग केव्स, उदयगिरी केव्स, सोनगिरी, भीमबेटका, तो इसका आंसर तो आपको पता ही होना चाहिए। जो बच्चे शायद MPPSC या ऐसी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं उन्हें भी ये इस क्वेश्चन का आंसर शायद पता होगा, तो इसका आंसर क्या है, भीमबेटका। भीमबेटका MP की मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्री हिस्टोरिक साइट है, MP की ही नहीं इंडिया की, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्री हिस्टोरिक जो साइट मानी जाती है वो भीमबेटका मानी जाती है। यहाँ से हमको पैलियोलिथिक एज से लेकर जो चालकोलिथिक, मिजोलिथिक, नियोलिथिक हर एज के एविडेंसेस मिलते हैं, हर एज की पेंटिंग देखने मिलती है, तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्री हिस्टोरिक साइट इन मध्य प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच इन रिस्पेक्ट ऑफ एंशियंट जनपद्स ऑफ MP, यहाँ पे MP के कुछ एंशियंट जनपद्स दिए हैं, आपको उसको करेक्टली मैच करना है। अवंती, उज्जैन सही है, वत्स, ग्वालियर सही है, चेदी, निमाड़, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा बुंदेलखंड वाले रीजन को चेदी कहा जाता है, और दसराना ये विदिशा वाले रीजन को कहा जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइनर रॉक एडिक्ट बिल्ड बाय अशोका इज एसोसिएटेड विद मध्य प्रदेश, इसमें से कौन से रॉक एडिक्ट हैं अशोका से रिलेटेड जो मध्य प्रदेश से एसोसिएटेड है, रूपनाथ, सारोमारो, गुज्जर, तो ये सारे की सारे मध्य प्रदेश में ही हैं और ये अशोका के माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं, ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फाउंड फ्रॉम पंगुरारिया, अभी थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन डिस्कशन में मैंने बता दिया था पंगुरारिया से हमें क्या मिलता है, तो पंगुरारिया से हमें रॉक एडिक्ट मिलता है अशोका का, 4 प्लेसेस, रूपनाथ, सारोमारो, पंगुरारिया और गुज्जर, ये 4 प्लेसेस हैं जहाँ से हमको इनके रॉक एडिक्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हूज कोर्ट वॉज द ग्रीक एम्बेसडर हेलिडोरस प्रेजेंट, ऐसे कौन से डायनेस्टी का रूल था जिस समय हेलिडोरस जो ग्रीक एम्बेसडर थे वो अपने यहाँ आए थे, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका है डायनेस्टी के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोई ग्रीक एम्बेसडर आया हो, क्योंकि हमको एग्जैक्टली तो इस डायनेस्टी का टाइम पीरियड ही नहीं पता। अब ये मौर्य डायनेस्टी जो है इस टाइम पे हम मेगस्थेनिस के बारे में पढ़ते हैं, डेमिकस के बारे में पढ़ते हैं, बट हेलिडोरस के बारे में तो कभी नहीं पढ़ा, तो शुंग डायनेस्टी जो है इस समय पे हमने पढ़ा है, शुंग डायनेस्टी के टाइम पे जब भागभद्र जो किंग थे उनका रूल था उस समय हेलिडोरस आए थे, विदिशा आए थे ये, क्योंकि शुंग डायनेस्टी के जो किंग थे अग्निमित्र उन्होंने विदिशा को अपनी सेकेंड कैपिटल बना लिया था, तो भागभद्र उस समय विदिशा वाले रीजन से ही मेनली रूल करते थे, उनके कोर्ट में हेलिडोरस आए थे। हेलिडोरस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में, इंडिया की हिस्ट्री में, इसका मेन रीजन है कि हेलिडोरस तब यहाँ आए तो ये भागवत रिलीजन, वैष्णो रिलीजन से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए कि इनने भागवत रिलीजन को अडॉप्ट कर लिया, अपने आप को परम भागवत कहने लगे और एक गरुड़ पिलर बनवाया इन फ्रंट ऑफ विष्णु टेम्पल और डेडिकेटेड टू लॉर्ड भागवत था वो पिलर, तो इसके लिए इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो इसका आंसर है शुंग डायनेस्टी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच
अमंग द फॉलोइंग आइटम इज द एविडेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सतवाहन रूलर इन मध्य प्रदेश। सतवाहन के रूल के प्रेजेंस और उनके रूल्स के एविडेंसेस के तौर में हमको मध्य प्रदेश में क्या एविडेंस मिलता है? कॉपर कॉइन्स, रॉक एडिक्ट्स, स्तूपा, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? हमने ऐसा कोई रॉक एडिक्ट्स नहीं पढ़े, तो रॉक एडिक्ट्स कटता है। स्तूपा, सतवाहन डायनेस्टी के जितने भी स्तूपा थे, इनने मेनली जो महाराष्ट्र और ये वाला जो रीजन आता है आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला, वहाँ पे बनवाए थे। ऐसा एमपी में हमने कोई नहीं पढ़ा। कॉपर कॉइन्स, इनके हमको कॉपर कॉइन्स मिलते हैं जिसके बेसिस पे हम पता लगा पाते हैं कि इनका रूल रहा है मध्य प्रदेश के कुछ एरिया में। तो इसका आंसर है कॉपर कॉइन। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सम्राट अशोक मैरिड द प्रिंसेस ऑफ विदिशा, व्हाट वाज हर नेम? संगमित्रा, महादेवी, अन्नपूर्णा, नन ऑफ द अबव। हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस करा था कि इनने विदिशा की प्रिंसेस से शादी करी थी और उनका नाम भी डिस्कस करा था, उनका नाम था महादेवी। और ये जो संगमित्रा है, ये बेसिकली अशोका की बेटी थी जो बौद्ध धर्म के प्रोपोगेशन, बौद्ध धर्म को प्रमोट करने के लिए श्रीलंका गई थी। तो इसका आंसर क्या है? महादेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच प्लेस इन मध्य प्रदेश आर द कॉइन ऑफ कुशान किंग विमा कैडिफेसिस फाउंड? विमा कैडिफेसिस जो कि कुशान किंग थे, उनके कॉइन्स हमको मध्य प्रदेश के किस रीजन से मिलते हैं? तो इसका आंसर है विदिशा। कहाँ से मिलते हैं? विदिशा। इसके अलावा जो कनिष्क जो कुशान किंग थे, उनके भी हमको कॉइन्स देखने मिलते हैं शहडोल वगैरह वाले रीजन से। तो काफ़ी जगह से हमको कुशान डायनेस्टी के कॉइन्स मध्य प्रदेश में देखने मिलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पुराणिक टेक्स्ट पद्मावती वॉज कैपिटल ऑफ विच डायनेस्टी? नाग डायनेस्टी, कुशान डायनेस्टी, मथराज डायनेस्टी, वकटक डायनेस्टी। हमने ये चीज़ पिछले लेक्चर में दो बार पढ़ी थी, जो गुप्ता डायनेस्टी थी उनके साथ इस डायनेस्टी का काफ़ी इम्पोर्टेंट एसोसिएशन रहा है। पहले जो समुद्रगुप्त थे उनका कॉन्फ्लिक्ट रहा नाग डायनेस्टी के साथ, और फिर उसके बाद में जो चंद्रगुप्त टू आए, उस समय में इनके मैट्रिमोनियल रिलेशंस हुए। तो इसका आंसर क्या है? नाग डायनेस्टी। देखो, कुशान डायनेस्टी तो पद्मावती वाले पार्ट में थी नहीं, ये नॉर्थ वेस्टर्न जो रीजन था वहाँ से इनका रूल स्टार्ट हुआ था, और अपर गैंगेटिक प्लेन वाला जो रीजन था नॉर्थ इंडिया का, वहाँ पे इनका रूल था। तो इसका आंसर ये नहीं हो सकता। मथराज डायनेस्टी के बारे में अभी अपन ने कुछ ऐसा पढ़ा नहीं है। नेक्स्ट है वकाटक डायनेस्टी। वकाटक डायनेस्टी साउथ इंडिया में थी, इनका कोई इस एरिया में रोल था ही नहीं। अभी पद्मावती कौन सी प्लेस है? तो पद्मावती प्रेजेंट डे पवाया नाम से जानी जाती है, और ये प्लेस बेसिकली ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में आती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडो ग्रीक रूलर मिनेंडर्स कॉइन आर फाउंड फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? जो मिनेंडर जो कि इंडो ग्रीक रूलर थे, इनके कॉइन हमको मध्य प्रदेश में कहाँ से देखने मिलते हैं? तो इसका आंसर है बालाघाट। हमने हमारे लेक्चर में इस बारे में पढ़ा था, आपको याद होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेस इन मध्य प्रदेश वॉज मेड द सेकेंड कैपिटल ऑफ मगध? ऐसी कौन सी प्लेस थी मध्य प्रदेश की जिसको सेकेंड कैपिटल बनाया गया था मगध का? उज्जैन, विदिशा, पद्मावती, महेश्वर। तो इसका आंसर आएगा उज्जैन। उज्जैन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस थी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में। मगध के अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट महाजनपद था वो उज्जैन थी, और जो वो अवंती था, और अवंती की जो कैपिटल थी उज्जैन, उसे काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लेस दी गई थी। तो ये चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य के टाइम पे सेकंड कैपिटल थी, और अशोका के टाइम पे, अशोका वहाँ के गवर्नर थे, उनके टाइम पे प्रोविंशियल कैपिटल थी, और अग्निमित्र जो किंग थे इनके टाइम पे, शुंग किंग, उनके टाइम पे विदिशा कैपिटल थी। Which of the following inscription during the reign of Kumar Gupta describe the construction of Sun Temple? ऐसा कौन सा inscription है जो हमको बताता है कि कुमार गुप्त के टाइम पे Sun Temple का construction start हो गया था? मंदसौर, सांची, तुमेन और उदयगिरी। तो इसका आंसर है मंदसौर। दाशपुर inscription बोलते हैं इसको।
दाशपुर क्यों? क्योंकि मंदसौर का जो पुराना नाम है वो दाशपुर था, इसे कुमारगुप्त कुमारगुप्त दाशपुर इंस्क्रिप्शन के नाम से जाना जाता है। इस इंस्क्रिप्शन से हमको उस समय की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। इस इंस्क्रिप्शन में बताया गया है कि सन टेम्पल का कंस्ट्रक्शन करवाया गया था, जिसके लिए भानु वर्मा जो कि ओलिकर डायनेस्टी के किंग थे उन्होंने फाइनेंस प्रोवाइड किया था। और जो सिल्क वीवर्स शिफ्ट हुए थे गुजरात वाले रीजन से मंदसौर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एरन इंस्क्रिप्शन है जो कि मध्य प्रदेश में है गुप्ता रूलर्स का, वो कौन से किंग से एसोसिएटेड है? स्कंदगुप्त, भानुगुप्त, बुद्धागुप्त और पुरुगुप्त। तो इसका आंसर है भानुगुप्त। ठीक है, भानुगुप्त से एसोसिएटेड है गुप्त ये एरन इंस्क्रिप्शन। एरन इंस्क्रिप्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन। भानुगुप्त एरन इंस्क्रिप्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन। क्यों? क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट आर्कोलॉजिकल एविडेंस ऑफ सती प्रथा इन इंडिया। ठीक है, 510 AD का ये जो इंस्क्रिप्शन है, इसमें सती प्रथा के बारे में हमको पता चलता है। इसमें ये बताया गया है कि भानुगुप्त जो कि एक गुप्ता किंग थे, उनके टाइम पे उनके जो फ्यूडल थे, इनके जो फ्यूडेटरी थे जिनका नाम था गोपराज, वो उनकी डेथ हो गई थी, उनको मार दिया था हून इन्वेडर्स ने। उन इन्वेडर्स के साथ में जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उनकी डेथ हो गई, जिसके चलते उनकी वाइफ जो थी वो एंटर हो गई इन द मास ऑफ फायर, और वो फर्स्ट एविडेंस माना जाता है सती प्रथा का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदमगढ़ फाउंड इन मध्य प्रदेश वॉज द प्री हिस्टोरिक साइट ऑफ विचेज। आदमगढ़ जो कि एक प्री हिस्टोरिक साइट है, ये किस एज की है? पैलियोलिथिक, चालकोलिथिक, माइक्रोलिथिक, नियोलिथिक। तो इसका आंसर है माइक्रोलिथिक। यहाँ से अराउंड 25,000 माइक्रोलिथिक टूल मिले हैं और ये एक माइक्रोलिथिक प्लेट की साइट है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्री हिस्टोरिक साइट इज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐसी कौन सी प्री हिस्टोरिक साइट है जिसको इंक्लूड किया गया है? आदमगढ़, भीमबेटका, आवरा, ननौंदावा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है भीमबेटका। मध्य प्रदेश की तीन साइट्स हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया है, एक है भीमबेटका, दूसरी है सांची स्तूप और तीसरी है खजुराहो टेम्पल। आपको तीनों प्लेसेस याद होनी चाहिए, 3 मार्कर्स भी बनते हैं, MCQs भी बनते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जो मेंस की एग्ज़ाम होती है उसमें जो टूरिस्ट प्लेसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाते हैं, कई बार 15 मार्कर में भी आ चुका है, 6 मार्कर में भी आ चुका है, और जो नया पैटर्न है उसमें 5 मार्कर्स में भी आ सकता है, 11 मार्कर्स में भी आ सकता है। या तो आपसे पूछा जा सकता है कि हिस्टोरिकल प्लेसेस बताएं मध्य प्रदेश की, हिस्टोरिकल प्लेसेस बताया गया तो आपको भीमबेटका, खजुराहो, सांची स्तूप तीनों के बारे में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको एग्जैक्टली याद होना चाहिए कि इनको कब वर्ल्ड हेरिटेज जो लिस्ट है उसमें इंक्लूड किया गया और कौन सी साइट है जिनको इंक्लूड किया गया, और यदि किसी ने बनवाया है तो किसने इनको बनवाया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंशियंट एविडेंस ऑफ प्रेवलेंस ऑफ सती प्रथा इज ऑब्टेंड फ्रॉम विच प्लेस। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ये डिस्कस किया, सांची, विदिशा, एरन, तिग्बा। तो जो भानुगुप्त एरन इंस्क्रिप्शन है वहाँ से हमको सती प्रथा का एविडेंस मिलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगालिथ कल्चर एविडेंस आर फाउंड फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये जो मेगालिथ कल्चर है ये बेसिकली साउथ इंडिया में था, 1700 से लेकर 1000 BC का जो टाइम पीरियड था उस समय साउथ इंडिया में ये कल्चर था, और ये एक ऐसी चीज़ है जिससे रिलेटेड एविडेंस हमको मध्य प्रदेश में मिलते हैं, और ये नॉर्थ इंडिया की जो हिस्ट्री है उससे मध्य प्रदेश को डिस्टिंग्विश करते हैं। तो ऐसी कौन से डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से इसके एविडेंस मिले हैं? रीवा, बैतूल, होशंगाबाद, ननौंदावा। तो इसका आंसर है रीवा। रीवा और सियोनी दो ईस्टर्न MP के ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से हमको इस चीज़ के एविडेंसेस मिलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रामायण, रामायण में ऐसा कहा गया है कि जो वाल्मीकि आश्रम था वो सिचुएटेड था मध्य प्रदेश में, तो आपको ये बताना है कौन सी रिवर पे सिचुएटेड था। वाल्मीकि आश्रम वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो इसका ऑप्शंस है तमसा, सोन, केन, बेतवा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है तमसा।
जिसे टोन्स रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, टोन्स रिवर एक और है यमुना की ट्रिब्यूटरी, जो कि उत्तराखंड से ही, उत्तरांचल से ही निकलती है, तो आप उसके साथ इसको कंफ्यूज मत करिएगा। आप टोन्स रिवर को, जो मध्य प्रदेश में है, उसको तमसा रिवर के नाम से याद रखिए, तो आपको इजी रहेगा। सेकंड चीज़ ये है कि ये रिवर का ओरिजिन प्लेस क्या है, तो ये बेसिकली कैमूर हिल से निकलती है, और इसी के बैंक पे जो वाल्मीकि आश्रम था वो था, जहाँ पे जो गॉडेस सीता थी उन्होंने लव और कुश को बर्थ दिया था। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वाल्मीकि आश्रम। नेक्स्ट है, हु अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ परम भागवत? डेमेकस, एंटियोक्लाइट, सेंड्रोकॉटस, हेलीडोरस। तो इसका आंसर है हेलीडोरस। हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा कि जो विदिशा बेस नगर गरुड़ पिलर जो है वो हेलीडोरस ने बनाया था और परम भागवत का टाइटल अडॉप्ट किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच किंग ऑफ द नाग डायनेस्टी फॉट अगेंस्ट समुद्रगुप्त? समुद्रगुप्त के अगेंस्ट फाइट करने वाले कौन से किंग थे नाग डायनेस्टी के? कुबेर नाग, भीम नाग, गणपति नाग, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है गणपति नाग। हमने बहुत अच्छे से ये पढ़ा था, गणपति नाग का कॉन्फ्लिक्ट था समुद्रगुप्त के बाद, बाद में चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य ने इनके साथ मैट्रिमोनियल अलायंस करके अपने रिलेशंस को अच्छा कर लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू समुद्रगुप्त एरन इंस्क्रिप्शन व्हाट टाइटल वाज अडॉप्टेड बाय हिम? हमें जो समुद्रगुप्त का एरन इंस्क्रिप्शन है उसमें एक टाइटल के बारे में पता चलता है जो उन्होंने अडॉप्ट किया था, वो क्या था? महाराजा धीराज, सर्वराज औचित्य, विक्रमादित्य शकारी। देखिए, अब ये जो विक्रमादित्य और शकारी जो टाइटल थे, ये चंद्रगुप्त टू ने करे थे, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ना विक्रमादित्य के नाम से तो वो पूरे उज्जैन में फेमस है ही। शकारी इसलिए उनने करा था क्योंकि उनने जो शाक रूलर्स थे उनको पूरी तरीके से फिनिश कर दिया था, उनका रूल पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था इंडिया में, वेस्टर्न क्षत्रप जो था उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो इसलिए अपने आप को शकारी कहते थे, विक्रमादित्य कहते थे, और महाराजाधिराज का टाइटल ये एक कॉमन टाइटल था। बट समुद्रगुप्त क्या जो एरन इंस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से समुद्रगुप्त ने सर्वराज औचित्य का टाइटल लिया था। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने दो गुप्ता रूलर के एरन इंस्क्रिप्शन पढ़ लिए, एक भानुगुप्त का था, एक समुद्रगुप्त का था। समुद्रगुप्त एरन इंस्क्रिप्शन जो है वो हमको उनके टाइटल के बारे में बताता है, ये बताता है कि इनकी शादी हुई थी दत्ता देवी नाम की एक लेडी से, तो ये डिटेल्स ये हमको देता है। इसके अलावा ये हमको ये भी डिटेल देता है कि जो एरन जो प्लेस थी वो समुद्रगुप्त की पर्सनल जागीर थी, इसलिए उसको सौभोग नगर भी कहा जाता था। एरन का एंशियंट टाइम का नाम एरिकिनी था, ये भी हमको इस इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, और भानुगुप्त के इंस्क्रिप्शन से हमको सती प्रथा के फर्स्ट एविडेंसेस मिलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभिजनन शकुंतलम जो बुक है वॉज द ड्रामा ऑफ विच प्ले राइटर? ये जो बुक है ये किसकी है? वाराहमिहिर, विशाखदत्त, कालिदास, शंकु। तो इसका आंसर है कालिदास। जो शकुंतला जो करेक्टर है महाभारत में उनसे रिलेटेड है ये ड्रामा, और ये कालिदास का वन ऑफ द मोस्ट फेमस ड्रामा बुक में से एक है। ठीक है, विशाखदत्त की देवी चंद्रगुप्तम। इसके अलावा हम मुद्रा राक्षस के बारे में पढ़ते हैं। वराहमिहिर जो थे ये सिद्धांत और पंच सिद्धांतिका, बृहत सिद्धांतिका, इस तरीके की बुक्स इन्होंने दी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायन विजिटेड मालवा ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच किंग? ऐसे कौन से किंग थे जिनके रूल के टाइम पे फायन ने मालवा को विजिट किया था? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त वन। तो इसका आंसर है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त टू के नाम से भी जाना जाता है, जिनके टाइम पे फायन इंडिया आए थे और मालवा विजिट किया था, और इनका ये कहना था कि मालवा को जो क्लाइमेट है वो वन ऑफ द बेस्ट क्लाइमेट इन द वर्ल्ड है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन डिपिक्ट द प्रेजेंस ऑफ हून इन्वेडर तोरमन इन मध्य प्रदेश? ऐसा कौन सा इंस्क्रिप्शन है जो बताता है कि जो हून इन्वेडर थे तोरमन, वो मध्य प्रदेश में उनकी प्रेजेंस थी? तो ये इंस्क्रिप्शन कौन सा है? वरहा आइडल इंस्क्रिप्शन। ये सागर में है,
वरा आइडल इंस्क्रिप्शन यह हमको बताता है कि जो तोरमन हुन इन्वेडर थे वो एमपी में प्रेजेंट थे। इसके अलावा जो ग्वालियर इंस्क्रिप्शन है वो हमको मिहिर कुल की प्रेजेंस के बारे में बताता है, वो भी एक हुन इन्वेडर थे जिनको यशोधर्मन ने डिफीट किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच किंग द वकाटक रूलर नरेंद्र सेन कैप्चर्ड मालवा। ऐसे कौन से किंग के टाइम पे वकाटक रूलर नरेंद्र सेन ने मालवा को कैप्चर कर लिया था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त क्या है ना, जब कुमार गुप्त और स्कंद गुप्त इनका जब रूल चल रहा था उस समय काफ़ी ज़्यादा हूंस इन्वेजन्स हो रहे थे इंडिया पे। हमने हमारा एमपी जीके का जो सीरीज़ है उसमें लेक्चर में पढ़ा है, आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। तो उस समय काफ़ी ज़्यादा हून इन्वेजन्स होते थे, तो स्कंद गुप्त जब हून इन्वेडर्स के साथ एंगेज थे, बिजी थे उनको इंडिया से भगाने में, तो उस समय पे ये जो नरेंद्र सेन जो कि वकाटक रूलर थे, इनका रूल डेक्कन के रीजन में था, इन्होंने मालवा को कैप्चर कर लिया था। ऑल्दो इन्होंने जो मालवा को कैप्चर किया था ये काफ़ी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम के लिए किया था, क्योंकि वापस से स्कंदगुप्त ने मालवा रीजन को रीऑक्यूपाई कर लिया था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नौरत्न इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में नौरत्न थे, आपको नौ रत्नों के नाम याद होना चाहिए, क्योंकि एमपीपीएससी ने अपना जो सिलेबस बताया है 2020 का उसके अकॉर्डिंगली एमपी का वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो एमपी से रिलेटेड छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट है, और फिर ये तो चंद्रगुप्त टू के नौ रत्न हैं, तो आपको ये जितने भी नौ लोग उनके कोर्ट में थे सबके नाम याद होना चाहिए, और जो इनकी इंपॉर्टेंट फील्ड थी, जिस चीज़ से इनका एसोसिएशन था, या कोई इंपॉर्टेंट बुक लिखी है, कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क है किसी का, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस हैं, शंकु, विशाखदत्त, अमर सिंह, शप्रंक। तो इसमें से कौन नहीं थे नौरत्न का पार्ट? विशाखदत्त नहीं थे, ठीक है। विशाखदत्त ने देवी चंद्रगुप्तम बुक लिखी है जिसमें हमको चंद्रगुप्त टू के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। मुद्रा राक्षस बुक लिखी है जो कि हमको जो चंद्रगुप्त मौर्य थे और चाणक्य उनके बारे में बताता है कि किस तरीके से उन्हें नंद डायनेस्टी को डिफीट किया और चंद्रगुप्त मौर्य मगध के किंग बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बोधी डायनेस्टी थी मध्य प्रदेश की, उसका रूल मध्य प्रदेश के किस एरिया में रहा? बघेलखंड, बुंदेलखंड, त्रिपुरी, बैतूल। तो इसका आंसर है त्रिपुरी। हमने आपको पहले ही बताया था कि जो स्मॉल स्मॉल डायनेस्टीज़ हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में तो हमें नहीं पढ़ना, बट यदि कोई इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है, कोई इम्पॉर्टेंट रूलर है और उनका रूल कौन से रीजन में है, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है त्रिपुरी। आपको याद होना चाहिए कि जो बोधी डायनेस्टी, इसका रूल कहाँ था? त्रिपुरी वाले रीजन में, मतलब के जबलपुर, ये जबलपुर वाले रीजन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच किंग इशू सिल्वर कॉइन विद डेट एंड डिस्क्रिप्शन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द टेरिटरी ऑफ मध्य प्रदेश। एमपी की टेरिटरी में सिल्वर कॉइन इशू करने वाले ऐसे फर्स्ट किंग कौन से थे जिनके कॉइन पे डेट और डिस्क्रिप्शंस भी दिए हुए थे? समुद्रगुप्त, रुद्रदामन, चंद्रगुप्त टू, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है रुद्रदामन। रुद्रदामन का टाइम पीरियड था 130 से 150 एडी। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट शाक किंग है ये, ग्रेटेस्ट शाक किंग माने जाते हैं। इनकी कैपिटल थी उज्जैन। इन्होंने एक सिल्वर कॉइन इशू करे थे जिस पे डेट और डिस्क्रिप्शन था, जिसके कारण हमको हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करने में बहुत हेल्प होती है। तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग रुद्रदामन, और रुद्रदामन इम्पॉर्टेंट किंग है व्हेन इट्स कम टू एमपी, तो आपको इनके बारे में सारे फैक्ट्स याद होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द लास्ट शाक किंग ऑफ ऑल द शाक्स। जो भी जितने भी शाक किंग्स थे उनमें लास्ट शाक किंग कौन था? जितने भी शाक सत्रप थे उसमें लास्ट शाक किंग कौन था? तो इसका आंसर है रुद्रसेन या रुद्र सिंह, ठीक है। रुद्रसेन या रुद्र सिंह को डिफीट किया था चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य ने, ठीक है। और वेस्टर्न क्षत्रप जो इनका रूलिंग स्टेट था, मालवा वाले रीजन में इनका रूल था, वहाँ से साक रूल को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था। तो ये रुद्रसेन, रुद्र सिंह का नाम याद रखना। किसने डिफीट किया था इनको? चंद्रगुप्त टू ने। अब हमारे अभी तक हमारे हिस्ट्री का जो पॉइंट
पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड, वो फिनिश हो चुके हैं। अब 6 अराउंड क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने जनरल इंट्रोडक्शन मध्य प्रदेश का पढ़ा था उससे रिलेटेड हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप सारे क्वेश्चन को देखिए और अपना खुद का एनालिसिस करिए कि आपको कितना आ रहा है। और ये क्वेश्चन आप तभी डिस्कस मतलब देखिए तब आपने पहले का जो MPGK सीरीज हमारी चल रही है उसके सारे लेक्चर देख लिए, क्योंकि आपने नहीं देखे होंगे तो फिर आपसे ये क्वेश्चन बनेंगे नहीं। तो ये क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैंसर पासिस थ्रू हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है? तो इसका आंसर है 14। ठीक है, ये फैक्ट्स हैं, फैक्चुअल डेटा है, आपको याद रखना होगा। आपको तब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी तो मैं आपको थोड़ा सा इसका ट्रिक भी बताऊंगी कि आप किस तरीके से याद रख सकते हैं ईजी वे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश शेयर द बॉर्डर विद गुजरात। तब हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि मध्य प्रदेश शॉर्टेस्ट बॉर्डर कोई स्टेट से शेयर करता है तो वो गुजरात है, और लार्जेस्ट बॉर्डर किसी स्टेट से शेयर करता है तो वो यूपी है। तो शॉर्टेस्ट बॉर्डर करता है गुजरात से, और सिर्फ MP के दो ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो गुजरात के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अब ऑप्शंस में रतलाम, मंदसौर, झाबुआ, बड़वानी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है झाबुआ। ये जो इस तरीके के जो क्वेश्चन है ना, आपको थोड़ा सा मैप रिकॉल करो, आपके माइंड में यदि मध्य प्रदेश का थोड़ा सा मैप है, आपको पता है कहाँ कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो आप ये क्वेश्चंस बहुत इजीली अटैम्प्ट कर लोगे। इन क्वेश्चंस में कोई भी बहुत ऐसी चीज़ नहीं है जिसको अटैम्प्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है या बहुत सारी चीज़ें याद रखनी हो। हर चीज़ को याद करने का, हर चीज़ को रिकॉल करने का एक तरीका होता है। यदि आप उसको उस तरीके से थोड़ा सा कुछ चीज़ों से कनेक्ट करके याद रखेंगे तो आपको हर चीज़ ईजिली याद रहेगी और आप उसको एग्ज़ाम में ईजिली याद कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एक्सटेंट ऑफ मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश के ईस्ट और वेस्ट एक्सट्रीम पॉइंट है उसके बीच में जो टाइम डिफरेंस है हमारी टाइम लाइन के हिसाब से, वो कितने मिनट्स का है? तो ये डिफरेंस है 34 मिनट्स का। ठीक है, ये भी हमने देखा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सीट्स ऑफ लोकसभा आर रिजर्व फॉर SC एंड ST इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितनी लोकसभा की सीट्स है जो SC ST के लिए रिजर्व है? तो इसका आंसर है 10। इसमें से 4 सीट्स SC के लिए रिजर्व है, 6 सीट्स ST के लिए रिजर्व है, और टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इन मध्य प्रदेश 29 है, राज्यसभा सीट्स 11 है। ठीक है, ये थोड़ा सा जनरल फैक्ट्स हैं, आपको याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ST पॉपुलेशन इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ST पॉपुलेशन का क्या परसेंटेज है? तो इसका आंसर है 21.1%। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन पासिस थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। जो स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है जो 82.5 डिग्री से पास करती है, वो मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से पास करती है? सिंगरौली, शहडोल, ढिंडोरी, बालाघाट। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सिंगरौली। सिंगरौली को MP की एनर्जी कैपिटल भी कहा जाता है, और ये सिर्फ एक अकेला डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन पास करती है। तो आज के हमारे ये 50 क्वेश्चंस का जो सेशन था ये ख़त्म होता है। अब हमारा नेक्स्ट वीक भी इस तरीके का सेशन होगा, नेक्स्ट संडे। उस दिन हम जो हमारा एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है उसका जहाँ तक का पार्ट कवर हो जाएगा उस पार्ट तक का MCQs डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो भी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आपको हमारा ये सेशन और आपको हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी लोग मतलब तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की और जिनको बहुत ज़रूरत है इस तरीके की सीरीज़ की, तो आप प्लीज़ उनसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए और मुझे भी मोटिवेशन मिल पाए। इसके अलावा आप जो सिविल स्ट्यूब का पेज है उसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।